चलो अब स्टार्ट करें। तो विजिटिंग कार्ड का साइज होता है 3.5 इंच रहेगी, इसकी विड्थ विड्थ रहेगी और 2 इंच रहेगी इसकी हाइट। हम पेंटिंग के लिए जब काम करते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कोरल ड्रॉ या इलस्ट्रेटर, क्योंकि वेक्टर सॉफ्टवेयर प्रेफर करते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर हम फोटोशॉप में कुछ चीज बना के उसका प्रिंट निकालते हैं ना, उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है, क्योंकि वो रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर था। ये जो वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है कोरल ड्रॉ या इलस्ट्रेटर, तो जो हम इसमें काम करते हैं तो वो उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी डिस्टॉर्ट नहीं होती। तो लोगो डिजाइन करना होता है तो हम इसी में डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो रेजोल्यूशन रहेगी इसकी 300 डीपीआई या पीपीआई, डॉट पर इंच या पिक्सल पर इंच, ठीक है। देखो फोटोशॉप में पीपीआई होती है और कोरल ड्रॉ में डीपीआई होती है। हाँ, फोटो अगर फोटोशॉप में अगर आप प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हो तो पीपीआई यूज करोगे, अगर आप कोरल ड्रॉ में कर रहे हो तो डीपीआई का ऑप्शन होता है, डॉट पर इंच, और ये पिक्सल पर इंच, क्योंकि इसमें डॉट से ऑब्जेक्ट बनते हैं और इसमें पिक्सल से ऑब्जेक्ट बनते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइज ले लेते हैं। तो साइज लेने के लिए मैं यहाँ से जाऊंगा फाइल में, न्यू फाइल पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे देखो साइज का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप मीटर की जगह इंचेस चूज कर लेना, प्रिंटिंग में अधिकतर हम इंचेस यूज करते हैं, इंचेस सेंटीमीटर, ठीक है। और वेबसाइट के लिए काम करते हैं तो हम पिक्सल्स का ज्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने 3.5 इंच जो रखी इसकी विड्थ रख ली, और हाइट कितनी रखी 2 इंच। रेजोल्यूशन 300 डीपीआई देखो लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। और हमने क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दिया। अगर कोई कहता है दो डिजाइन बना लेना तो आप दो चूज कर सकते, टू चूज कर सकते हो, थ्री चूज कर सकते हो। वेबसाइट के लिए हम लेके चलते 72 प्रिंटिंग के लिए इंचेस और साइज। हाँ, और अगर वेबसाइट के लिए काम करो तो पिक्सल्स का यूज करते हैं। तो हमारे पास देखो साइज ये इस तरीके से आ गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो दो फाइल आ रही है, एक और एक, ये दो फाइल आ रही है। हम इसके ऊपर डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल ले लिया और एक हम ना कोई रेफरेंस भी लेते हैं जिसको देख के हम डिजाइन करेंगे विजिटिंग कार्ड का। तो हम विजिटिंग कार्ड सर्च कर लेते गूगल पे, विजिटिंग कार्ड, थोड़ा सा मुश्किल ले गए और मुश्किल नहीं सी, थोड़ा आसान ले गए, ठीक है। तो ऐसा कुछ पहले विजिटिंग कार्ड डिजाइन करेंगे। कहाँ आ रहा है वो वाला, जो भी देखा था मैंने, ये वाला, ठीक है। ऐसा कोई डिजाइन करेंगे अपन, चलो ओपन तो हो ही नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं। क्या ट्री कहाँ है, ऊपर 6th नंबर पे, 1 2 1 2 3 4 5, ये ये वाला, ये तो बहुत सिंपल सा हो गया ना, तो लोगो लगाओ बस, ये वाला लेके चलते हैं। हाँ, लोगो बनाएंगे, पहले भी हम विजिटिंग कार्ड बनाना सीख रहे ना। तो चलो पहले मैं आपको शेप समझा दूँ ना सारी। तो देखो इसे मैंने कंट्रोल वी करके साइड में रख लिया। तो मुझे ना कैसा विजिटिंग कार्ड बनाना है, मुझे ऐसा कुछ बनाना है, ऐसा कुछ, ये वाला, ठीक है। तो हम पहले ऐसा विजिटिंग कार्ड डिजाइन करना सीखते हैं। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इमेज को ना जितनी चाहिए रखने के लिए उतनी इमेज को यहाँ क्रॉप टूल से क्रॉप कर लेता हूँ। तो मैंने क्रॉप टूल लिया और ऐसे एंटर मार दिया, तो ये क्रॉप हो गई इतनी इमेज, मुझे देखने के लिए चेता बस ये, जिसको उठा के मैं यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। हाँ, फोटोशॉप में स्क्रीन से बाहर रखते हुए ब्लैंक हो जाता था, पर यहाँ पे हम ऐसे रख सकते हैं बाहर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है। तो आपने ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। रेक्टेंगल का साइज रहेगा 3.5, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 3.5, और हाइट रहेगी इसकी 2 इंच, तो हमने हाइट रख दी इसकी 2 इंच। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, रेक्टेंगल आ गया इस तरीके से। आप ना अब बिल्कुल पेज के सेंटर पे चाहिए तो पी दबा देना, पी से पेज के सेंटर पे आ जाएगा ये हमारे पास। तो देखो पेज के बिल्कुल सेंटर पे आ गया। यहाँ पे कलर ले लेता हम, कौन सा कलर चाहिए, कलर दे दिया। स्ट्रोक नहीं चाहिए तो राइट क्लिक करके हमने सेट आउटलाइन कलर पे क्लिक कर दिया। तो हमारे पास देखो व्हाइट कलर आ चुका है। आप जो सा भी कलर चाहिए आप अपने हिसाब से कलर दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है।
अब मुझे ना ये वाली शेप चाहिए, तो हम ना कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं इसके अंदर, कंट्रोल सी या कंट्रोल वी इस तरीके से, या एक तरीका और है, मैंने यहाँ से उठाया इसे और उठा के क्या करा यहाँ पे ले जाके छोड़ दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे इस तरीके से एक कलर आ गया, मतलब एक बॉक्स बन के आ गया। अब मुझे इसके अंदर ये वाला कलर ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ई, आई ड्रॉपर टूल की शॉर्ट की है, कंट्रोल शिफ्ट ई, आपने यहाँ पे क्लिक किया, ये कलर यहाँ आ गया हमारे पास। तो व्हाइट कलर यहाँ दिखाई दे रहा था और ये यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से आ गया। तो हमारे पास देखो ये रेक्टेंगल बन गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया। अब मैं चाहता क्या हूँ, ये शेप ना ऐसे ही मॉडिफाई करनी है मुझे, तो आपने क्या करना है, इस शेप को सिलेक्ट करना है। मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास ये वाला जो कल टूल हमने किया था, शेप टूल ये वाला है। अगर आप ऐसे करोगे, मूव करोगे, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा है इसमें, मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ तो ये राउंड हो रहा है, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना, आपने क्या करना है, अच्छा मैंने देखो कंट्रोल जेड किया था ना, तो ये चला गया था, कंट्रोल शिफ्ट जेड किया वापस आ गया। अंडू कमांड कंट्रोल जेड है और रीडू कमांड है कंट्रोल शिफ्ट जेड, ठीक है। अब आते हैं, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, देखो मैं अभी यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, शेप इस तरह की राउंड हो रही है। तो मुझे ना अब बताओ जरा कि ना लाइक मुझे इस तरीके की शेप चाहिए, तो क्या करेंगे, कंट्रोल क्यू। पहले आपको ना शेप को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो शेप को यानी आपको शेप को कर्व करने के लिए कंट्रोल क्यू दबाना है, तो कंट्रोल क्यू से कन्वर्ट टू कर्व हो जाता है, ठीक है। आपने शेप टूल लिया और इसको पकड़ के हमने क्या करा, यहाँ पे ऐसे रख दिया, तो ये शेप जो हो गई वो यहाँ इस तरीके से आ गई। अब मुझे ना यहाँ कर्व चाहिए ये वाला ऐसा, तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्लिक कर देंगे, बस एक पॉइंट पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखो कर्व का ऑप्शन आ रहा है, ये रहा आ रहा है ना, इस पर क्लिक करना, अच्छा सिंगल क्लिक करना था बस आपने। इसको मैंने थोड़ा आगे की तरफ कर दिया, इसको मैंने थोड़ा सा पीछे की तरफ कर दिया, तो डिज़ाइन देखो हमारा कुछ ऐसा बन गया। इसको पॉइंट को मैंने ऐसे सेट कर दिया, इसको पॉइंट को मैंने ऐसे सेट कर दिया, ये देखो आ गया, आ गया हमारे पास डिज़ाइन, ये देखो इस तरीके से बन गया। अब मुझे यहाँ ग्रीन कलर भी चाहिए इसके अंदर, तो ग्रीन कलर के लिए हमने कंट्रोल सी करा कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, फिर शेप टूल लिया, ये यहाँ से उठाया, इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया ऐसे, और हमने क्या करा, इसके अंदर भी कलर दे दिया, कंट्रोल शिफ्ट ई करके यहाँ पे ये कलर दे दिया, तो देखो बिल्कुल सेम ऐसा ही आ गया हमारे पास। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे ये वाली शेप देके देखते हैं। तो हमने एक रेक्टेंगल लिया, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे रख लिया, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ई करा, ये कलर आ गया हमारे पास, कंट्रोल क्यू करा, कन्वर्ट टू कर्व आ गया, शेप टूल लिया, इस वाले पॉइंट को मैंने डबल क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, डबल क्लिक करके डिलीट कर दिया। इसको मैं ऐसे करता हूँ क्लिक, कर्व किया, क्लिक किया, कर्व किया, ठीक है, आ गया हमारे पास, समझ में आ गया ना। आप ऐसे क्या कर सकते हो, शेप को इनको सेट कर सकते हो, तो हमने ऐसे कुछ सेट कर लेते थे। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, शेप टूल लेना है और शेप टूल लेके पॉइंट पे ऐसे क्लिक करना है, तो देखो ऐसे ये पॉइंट्स बन के आ जाएंगे, तो आपको कैसे शेप रखनी है वो आप अपने हिसाब से फिर सेट कर सकते हो। तो देखो कितना आसान है, इन पॉइंटों को अपने हिसाब से मूव करा वैसे। चलो स्ट्रोक नहीं चाहिए तो क्या करते हैं हम, चलो अब सही लग रही है ये। अब स्ट्रोक को नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे से आउटलाइन कलर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, ये आ गया हमारे पास।
ठीक है, तो हमारे पास ये डिज़ाइन क्यों है ऐसा बन गया। चलो अब एक काम करते हैं, ये भी डिज़ाइन बना के देखते हैं ये वाला। ठीक है, तो हमने क्या करा है, इसके लिए एक रेक्टेंगल से बन जाएगा ये भी। हमने इसके अंदर क्या करा, स्ट्रोक में कलर दे दिया। स्ट्रोक में कौन सा कलर देता हूँ मैं, ये वाला कलर दे देता हूँ, सेट आउटलाइन कलर, ये कलर दे दिया मैंने स्ट्रोक में। स्ट्रोक को बढ़ाते कैसे, यहाँ से स्ट्रोक बढ़ जाती है इस तरीके, कितनी स्ट्रोक चाहिए आप ऐसे सेट कर सकते हो। अच्छा, कंट्रोल क्यू से क्या हुआ, कन्वर्ट टू कर्व हो गया। यहाँ से शेप टूल लिया, यहाँ पे मैंने डबल क्लिक कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट हमारा रिमूव हो जाएगा। इसको उठा के हमने बिल्कुल सेंटर में ऐसे रख लिया, फिर एक डबल क्लिक करा तो पॉइंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आप ऐसे यहाँ पे शेप को इस तरीके से रख सकते हो। आ गया, कितना स्ट्रोक रखनी है वो अपने हिसाब से सेट कर लेना। चलो मैं कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ। इसको मैं शिफ्ट दबा के छोटा कर लेता हूँ ऐसे, फिर मैंने कंट्रोल सी करा, कंट्रोल वी करा, पेस्ट कर दिया, और इसको भी मैंने शिफ्ट दबा के ऐसे रख दिया। और इसका कलर अपन एक काम करते हैं, यही वाला कलर इसके फिल्म में भी दे देते हैं। अब इसको मैं अलाइन सही से कर लेता हूँ, तो ये इसे मैंने थोड़ा सा बीच में रख लिया। क्या कर रही है, क्या कर रही है ये, यहाँ बैठते तो ऐसे ही करते हैं। चलो देखो ये ऐसे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, कंट्रोल जी करा ग्रुप, हाँ पूरे को सिलेक्ट करेगा, इतने एरिया को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा इसमें ना जितना आप ऐसे सिलेक्शन करोगे जितना पूरा आएगा उतना ही सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो देखो हमने ग्रुप कर लिया और इसको उठा के अपन यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं। पर देखो एक चीज देखना, जब मैं इसके साइज को कम करूँगा खराब हो जाएगा। क्यों हुआ खराब, बताएगा कोई मुझे, क्योंकि इसकी वो जो आउटलाइन है वो ज्यादा होगी। देखो आउटलाइन कितनी है इसकी, 8 है। जब हम साइज कम कर रहे हैं ना इसका, तब भी देखो आउटलाइन क्या है, 8 ही है, पर इंसेंटी जो है यहाँ पे लाइक जो उसके अंदर जो स्पेसिंग है वो कम हो गई है। तो आप क्या करोगे, इसे सिलेक्ट करना, ऑब्जेक्ट में जाना और कन्वर्ट टू कर्व कर देना, कंट्रोल क्यू, और इसके ऐसे ही ना स्ट्रोक को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए भी एक शॉर्ट की होती है, कंट्रोल शिफ्ट क्यू। इसमें आ रहा कहीं, इसमें तो नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट में जाके कंट्रोल शिफ्ट की शॉर्ट की यूज करके देखते हैं। देखो हमने सिलेक्ट किया ऐसे, अभी क्या है ये हमारी स्ट्रोक है। ठीक है, अभी क्या है स्ट्रोक है हमारे पास, मैं अनग्रुप करके देखता हूँ। ये देखो स्ट्रोक है ना, ये 8 पॉइंट दिखा रहा है। अगर आप ना ऑब्जेक्ट में जाओगे तो यहाँ पे देखो कंट्रोल शिफ्ट क्यू लिखा आएगा। ये क्या कह रहा है, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक कर दिया तो स्ट्रोक खत्म हो गई। ऐसे ही हमने क्या करा, इस पर भी क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट क्यू, कंट्रोल शिफ्ट क्यू लिख लेना, ये ऑब्जेक्ट के अंदर था, ऑब्जेक्ट में जाके कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, इससे क्या होता है स्ट्रोक ऑब्जेक्ट बन जाती है। स्ट्रोक को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट क्यू शॉर्ट की है। अब इससे देखो क्या होगा, मैंने कंट्रोल शिफ्ट क्यू कर लिया ना, अब इसके साइज को मैं कितना भी कम ज्यादा कर लूं देखो खराब नहीं होगा ये। ठीक है, तो क्योंकि स्ट्रोक है ही नहीं अब उसके अंदर। आ गया ये हमारा, ठीक है, अब इसके अंदर हम फार्मा लिख देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट क्यू ना, फार्मा केयर। ठीक है, और इसको मैं सेंटर लाइन कर लेता हूँ। सेंटर लाइन करने के लिए आप ना ऐसे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल ई कर दो, ई कर दोगे, किसने बताया, आपने तो बताया था, नहीं कर नहीं होता क्लास पहले, अच्छा पहले बता दो, कंट्रोल ई। ठीक है, तो कंट्रोल ई से क्या होता है, टेस्ट लाइन सेंटर हो जाता है, अगर कंट्रोल एल करोगे तो लेफ्ट हो जाता है, कंट्रोल देखो कंट्रोल एल किया तो लेफ्ट हो जाता है, कंट्रोल आर करोगे राइट हो जाता है, कंट्रोल ई करोगे तो सेंटर हो जाता है। ठीक है, हाँ ये देखो हमने ऐसे रख लिया और ऐसा कलर दे देते अपन वाइट कलर। तो देखो हमारा विजिटिंग कार्ड इस तरीके से रेडी हो गया है। ठीक है, अब बस हमें कंटेंट डालना पड़ेगा, कंटेंट डालने के लिए आप टाइप टूल लेके फॉन्ट का साइज जो होता है, अगर विजिटिंग कार्ड बना रहे हो आप तो फॉन्ट का साइज जो हेडिंग का साइज रहेगा वो 12 पिक्सल रहेगा।
जो नॉर्मल कंटेंट रहेगा वो 8 पिक्सल रहेगा और जो एड्रेस होगा वो 7 पिक्सल रहेगा। पॉइंट और पिक्सल इक्वल होता है। कंटेंट कितना बताया था? हेडिंग जो रहेगी वो 12 पिक्सल रहेगी और कंटेंट कंटेंट जो रहेगा वो 8 पिक्सल रहेगा एड्रेस 7 और एड्रेस 7 रहेगा। फोन नंबर भी आप 829 ले सकते हो। कि ना प्रिंट में भी फिर उतनी विजिबिलिटी आएगी ना। अच्छा दोनों को सेंटर में चाहिए तो मैंने कल बताया था दोनों को सेलेक्ट करना है, शिफ्ट दबा के सी दबा देना तो सेंटर लाइन आ जाएगा ये हमारा। ठीक है ये कल बताया था मैंने। एल दबाएंगे तो लेफ्ट आएगा, आर दबाओगे राइट आ जाएगा, सी दबाओगे तो सेंटर आ जाएगा। अगर पर्टिकुलर जैसे मैंने वेब डेवलपर लिखा हुआ है मुझे इसका कलर ये करना है तो हम क्या करेंगे आई ड्रॉपर टूल ले लेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और फिर मुझे यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देना है तो ये पूरा वेब डेवलपर का कलर चेंज हो रहा है। पर मुझे सिर्फ इसी का कलर चेंज करना है वेब का, तो हम क्या करेंगे सिलेक्ट करके जो सा कलर चाहिए वो कलर पर क्लिक कर देंगे। ठीक है तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं और यहाँ पे जो भी कंटेंट डालना है वो अपने हिसाब से हम कंटेंट डाल देंगे। आइकन्स के लिए अगर आपको आइकन्स चाहिए तो एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट यूज़ करते हैं हम लोग, उसका नाम है गूगल आइकन। गूगल आइकन जैसे मुझे इसमें ना बहुत सारे आइकन मिल जाएंगे, जितने भी हम आइकन नॉर्मली यूज़ करते हैं ना डिज़ाइनिंग करते टाइम वो सारे आइकन यहाँ पे है। जैसे मुझे फ़ोन का आइकन चाहिए होगा तो मैं फ़ोन सर्च करूँगा यहाँ पे, तो देखो फ़ोन का आइकन आ गया। आपको बस क्लिक करना है और यहाँ पे ना SVG मोड चूज़ करना है। कौन सा मोड? SVG किस पे क्लिक करके? आपको यहाँ पे क्लिक करना है और SVG चूज कर लेनी है। SVG की फुल फॉर्म लिख लेना है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, मतलब ये वेक्टर इमेज होती है। आप ना इसको उठा के डायरेक्ट ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमारी इमेज ये रही, इसको मैंने उठाया यहाँ यूज किया, ओरिजिनल साइज पे क्लिक कर देते हैं और ये खराब क्यों आ रही है इसमें? स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक ये खराब आ रही है बस। सपोर्ट नहीं कर पा रहा है ये वाली इमेज को। ये इमेज पता है क्या ये ना लाइक इलस्ट्रेटर पे तो अच्छी तरीके से सपोर्ट हो जाती है, ये वेब के लिए इमेजेस होती है, मतलब ये ना इस इमेज को कितना भी स्केल करो ना ये डिस्टॉर्ट नहीं होती। कोरल में सही से सपोर्ट नहीं कर पा रही है तो PNG ले लेते हम, इसे दूसरे सॉफ्टवेयर में यूज कर लेंगे। PNG ले लिया यहाँ से, इसको उठाया, उठा के इसमें रख दिया। ठीक है यहाँ पे कौन सा कलर चाहिए अपने हिसाब से सेट कर लिया। हाँ ये यहाँ पे सारे ट्रांसपेरेंट आइकन मिल जाएंगे तो आइकन सारे आप इसको गलती कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं क्या? अगर गलती से जैसे प्रेजेंटेशन में या हाँ नहीं तो ये यूज करने हैं, मतलब आपको आइकन्स बनाने की जरूरत नहीं होती, जो कॉमन चीजें होती है वो बनाने की जरूरत नहीं होती है, आपको ना यहीं से यूज करने हैं आइकन। ठीक है आपने यहाँ पे सर्कल ले लिया, सर्कल को इधर रख लेते हैं। ठीक है ये सेंटर में चाहिए तो क्या करेंगे इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर सर्कल को सिलेक्ट करेंगे CE। ठीक है सी और से सेंटर लाइन और ई से क्या होगा वर्टिकल लाइन, तो इसको उठा के अपन यहाँ रख लेते हैं। यहाँ पे मुझे एक और आइकन चाहिए, यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया। ये कॉपी कैसे किया मैंने, उठाया और ना छोड़ते टाइम राइट क्लिक कर दिया। ठीक है ऐसे ही मैं Ctrl R भी कर सकता हूँ, Ctrl R से रिपीट कमांड हो जाती है। Ctrl R लिख लेना, रिपीट कमांड होती है तो उससे क्या हुआ एक डि आर और क्या यूज किया मैंने, देखो ये मैंने क्या किया था यहाँ रखा था, इसको मैंने उठाया था राइट क्लिक कर दिया था। हाँ राइट क्लिक करके रख दिया। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना एक और आ जाए नीचे ताकि मैं उस सर्कल के अंदर इमेज डाल दूंगा, तो Ctrl R किया तो देखो रिपीटेशन कमांड होती है, तो एक ही चीज को आप बार बार रिपीट कर सकते हो कमांड को, तो उससे क्या होगा डिस्टेंस सबका इक्वल आया होगा। ठीक है
ये रख लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ फोन नंबर चाहिए, इसके अंदर कंट्रोल यू से अनग्रुप होता है, कंट्रोल जी से तो ग्रुप होता है पता है, और कंट्रोल यू से क्या होता है इसमें अनग्रुप हो जाते हैं। तो यहाँ से हम इसको डिलीट मार देते हैं। मुझे मैसेज का आइकन चाहिए तो मैं यहाँ पे मैसेज ईमेल का आइकन ले लेते हैं। तो आपको बस यहाँ पे डालना है, इस तरीके से आइकन आ जाएगा। लाइक मुझे ये वाला चाहिए, मैंने यहाँ से क्या करा डाउनलोड किया, ऐसे PNG ले रहा हूँ मैं, और इसको उठा के धर लिया है, ड्रैग कर दिया यहाँ पे। साइज इसका उतना ही रख लेते जितना इसका है, तो यहाँ से थोड़ा छोटा कर देते इस तरीके से। और ये बिल्कुल सेंटर में चाहिए, तो दोनों को सिलेक्ट किया, कमांड बताओ सी ई, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। एक और चाहिए मुझे एड्रेस का, तो एड्रेस के लिए कौन सा, ये वाला आइकन चल जाएगा, इस पर क्लिक किया और PNG इसको उठाया, उठा के यहाँ रखा, साइज को अपने हिसाब से कम ज़्यादा करा, यहाँ पे इसको मारा डिलीट, पहले अनग्रुप कंट्रोल यू से अनग्रुप, फिर इसको मारा डिलीट, फिर इसको मार दिया हमने डिलीट, हाँ डिलीट, और इसको क्या करेंगे सिलेक्ट सी ई। तो अलाइनमेंट जो कितनी सही है इसके अंदर, मेनली ना अलाइनमेंट बहुत अच्छी है इसके अंदर, और कितना फास्ट जल्दी हो जाता है इसमें। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन सेट कर देता हूँ। मैंने एक यहाँ पे ना टूल है लाइन टूल, लाइन टूल से मैंने बीच में कनेक्टर बना दिया इसके ऐसे, ठीक है। ये कनेक्टर बन गए, कितनी साइज ये देखो यहाँ मिल जाएगा ये रहा, ठीक है, टू पॉइंट लाइन टूल, ठीक है। इससे मैंने नॉर्मल लाइन खींच दी, अब ये बिल्कुल सेंटर में चाहिए, तो इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट किया, सी दबा दिया, तो ये सेंटर में आ गया। ऐसे ही मैंने इसी को ही पिक करके उठा के नीचे रख दिया कॉपी करके, तो ये भी हमारा ऐसे आ गया। तो ये डिज़ाइन हमारा ऐसे बन गया। सेकंड मुझे यहाँ पे फ़ोन नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ 9311463302, और मैं इसके फ़ोन के साइज़ को कम कर लेता हूँ। कितना करूँगा मैं इसके साइज़ को, मैंने आपको बताया 8 to 9 pixels लगते हैं, तो मैं इसे 9 pixels लग देता हूँ। तो ये साइज रहेगा फॉन्ट का, ये रहा, ठीक है। 9 भी ज़्यादा लग रहा है मुझे, मैं 8 ही रखता हूँ। और लोकेशन का आप थोड़ा कम साइज रख सकते हो, अगर हाँ 7 बताया मैंने, पर अगर देखो लोकेशन डिपेंड करता है, अगर आप यहाँ कॉर्नर पे या अलग से लिख रहे हो तब आप 7 यूज़ करना, पर अगर आप इसके साथ जैसे मैंने यहाँ पे लेके चलो, तो एक ही फॉर्मेटिंग रखनी है फिर आपने, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ रख लेता हूँ, इसमें ईमेल आईडी डाल देता हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने स्मॉल में लिख लेता कोड विद राहुल, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एड्रेस आ गया, अगर एड्रेस थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर थोड़ा अलग तरीके से यूज करना, मतलब जैसे आपने अलग से दिखा दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं लिखूंगा एड्रेस तो मुझे फॉन्ट का फिर साइज क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। टाइप टूल सेक्टर 15 नोएडा, ठीक है। चलो तो हमारा ये क्या हो गया, ये डिज़ाइन जो है इस तरीके से बन गया, ठीक है। इसको इसके सेंटर रख लेते हैं, ई दबा दिया वर्टिकल सेंटर, इसको इसके सेंटर रख दिया, क्योंकि डिजाइनिंग में ना अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ई दबा दिया, ये देखो तो हमारा डिज़ाइन जो है ऐसे बन गया। मैं पूरे को क्या करता हूँ ग्रुप कर लेता हूँ कंट्रोल जी से, इसको और इसको सिलेक्ट करता हूँ, ई दबा देता हूँ, तो बिल्कुल वर्टिकल सेंटर में आ गया, ठीक है। तो हमारा कार्ड जो है वो इस तरीके से बन गया, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं। कौन सी वाली शेड, ये वाली, ठीक है। कंट्रोल जी से कंट्रोल यू से मैं अनग्रुप करता हूँ वापस, ठीक है। तुम कह रहे हो ये शेड आ रही है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल लूँगा, इतना रेक्टेंगल ऐसे रखूँगा यहाँ पे। एक टूल है वो यूज़ करना पड़ेगा मुझे, उसका नाम है ये वाला, इसके अंदर आता है स्मार्ट फिल टूल, सर एक और ऑप्शन, हाँ इंटरसेट कर सकते हो थोड़ा सा
हाँ हाँ वही चीज, पर ना मुझे क्या करना पड़ेगा ना, अलग तो करना पड़ेगा ना इसे। तो देखो ये सबसे सबसे सही सही टूल है, देखो स्मार्ट फिल टूल, ये वाला देखो, ये चेक करो। देखो आपने बस क्या करना है, ये टूल लेना है, ओवरलैपिंग एक लाइन खींच देनी है, मैंने ओवरलैपिंग लाइन खींच दी, यहाँ क्लिक किया ये अलग हो गया, ठीक है, यहाँ क्लिक किया ये अलग हो गया, यहाँ क्लिक किया ये अलग हो गया, यहाँ क्लिक किया ये अलग हो गया, हो गया अलग, ठीक है। स्ट्रोक हटाए थे मैं इसकी सबकी, तो मैंने यहाँ से इसको तो मारता हूँ मैं डिलीट, ये तो हो गया डिलीट। अब मुझे स्ट्रोक हटानी है इसकी, तो इसको 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 सिलेक्ट किया और स्ट्रोक को यहाँ से मैं आउटलाइन कलर को बंद कर लेता हूँ, ठीक है। इस वाले को के भी आउटलाइन बंद कर लेते हैं, यहाँ से आउटलाइन हटा दी हमने, ठीक है, इसके आउटलाइन को, हाँ ठीक है। इसका कलर जो है ना ग्रीन का, इसका ग्रीन की जगह हम एक काम करते हैं, यही वाला कलर दे देते हैं, ठीक है, इसी का डार्क कलर दे देते हैं। डबल क्लिक किया यहाँ पे तो पूरा कलर पैलेट ओपन होके आ जाएगा। चलो इसी का कलर उठा लेते ना, चलो आ गया, ठीक है, यहाँ पे कलर पैलेट आ गया। यहाँ से मैंने क्या करा, इसी का थोड़ा सा डार्क कलर ले लिया ऐसे और ओके कर दिया, तो आ गई शेड देखो। तो ऐसे ही शेड बन गई ना। तो इस तरीके से इस टूल का यूज़ कर देते हैं, स्मार्ट फिल टूल, ये हम इसको बाद में यूज़ करना प्रॉपर सीखेंगे, अभी मैंने बस यहाँ पे यूज़ कर लिया इसको, ठीक है। अब टूल नहीं बढ़ाते, कंट्रोल जी से ग्रुप। तो हमारा एक विजिटिंग कार्ड देखो इस तरीके का डिज़ाइन हो गया, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, अब लेटर हेड डिज़ाइन करके देखते हैं, ठीक है। तो स्टेशनरी वर्क सारा हम इसमें कवर करते हैं, तो ये तो बन जाएगा ना, ठीक है। और हम क्या करते हैं, अब लेटर हेड डिज़ाइन करते हैं। तो मैं एक नई फाइल ले रहा हूँ, लेटर हेड का साइज लिख लेना A4 शीट, तो यहाँ पे कस्टम में जाओगे A4 शीट यहाँ आ जाएगी यारी, ठीक है। A4 शीट आ गई और मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया लेटर हेड। देखते हैं कैसा होता है, जैसे हम मुझे कोई कंपनी में देते हैं डिज़ाइन लेटर देते हैं, या फिर लाइक कंपनी में वो होता है जिसमें ऑफर लेटर होता है, वो सब चीज़ें हमारे इसमें आते हैं लेटर हेड में, ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं लेटर हेड कैसे बनता है। देखो इस तरीके का लेटर हेड कुछ रहता है ऐसा कुछ, ठीक है। हम वेव शेप भी बनाएंगे, कौन सा सही लग रहा है ये ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा लेटर हेड डिजाइन कर दो। कलर कॉम्बिनेशन वही रखेगी जो हमारी थी, तो इसको मैं कॉपी करके साइड में रख लेता हूँ, क्रॉप कर लेता हूँ बाकी को जस्ट ट्राई, ताकि ज़्यादा एरिया ना ले, ये एंटर हो गया हमारा ये सेट। रेक्टेंगल लेते हैं, राइट 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 भाई, ठीक है। तो पहले आप आर्टबोर्ड का साइज चेक करो कितना है, देखो 210/297 mm है ना, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ये चीज़ मैं यहाँ डाल दूंगा कंट्रोल वी, और 297 क्या आ जाएगा ये, तो बिल्कुल परफेक्ट साइज आएगा, तो ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, मुझे ये चीज़ यहाँ चाहिए ऊपर, तो कोई बताएगा मुझे, ये जो आर्टबोर्ड है ना ये वाला, ये मुझे बिल्कुल पेज के ऊपर चाहिए। आपका नाम क्या था, हाँ तो अमृता कैसे आएगा, ये बिल्कुल पेज के यहाँ रखना है सेंटर के ऊपर, तो कैसे, कौन सी की है जिससे पेज के बिल्कुल नहीं, देखो अगर आप सिलेक्ट करके पी दबा दोगे तो बिल्कुल पेज के सेंटर पर आ जाता है, ठीक है, बिल्कुल फिट हो जाएगा, पी शॉर्टकट है, पी से पेज के सेंटर पर आ जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान रखना, कल लिखवाया था ना ये, मैं इसकी स्ट्रोक की हटाता हूँ, तो सेट आउटलाइन कलर मैंने यहाँ से हटा दिया। अब चलो अब इसके अंदर कलर देते हैं, तो कलर मुझे ना यही वाला चाहिए, तो कंट्रोल शिफ्ट ई दबा के मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये देखो बिल्कुल सही लग रहा है ये, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ इसी की कॉपी कर लेता हूँ एक, और इसी को उठा कर मैं यहाँ रख लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ जो मैंने यूज़ किया था, तो मैंने ये कलर ले लिया, ठीक है। अब मुझे ऐसे थोड़ा बेबी शेप चाहिए,
तो वेव शेप चाहिए तो आप कंट्रोल, सर ये मुझे ना ग्रेडियंट में लग रही, ग्रेडियंट में क्या है कौन सा ये वाला? हाँ ये ग्रेडियंट है, ये ग्रेडियंट है राइट। अभी हम ग्रेडियंट नहीं यूज कर रहे। तो कंट्रोल क्यू से क्या होगा, कन्वर्ट टू कर्व हो जाएगा। आपने शेप टूल लिया, यहाँ पे इस पे क्लिक करके, यहाँ पे डबल क्लिक करके ऐसे रिमूव कर दिया, तो ये शेप दो वो ऐसे ही आ गई हमारे पास। कुछ आप चाहो तो ऐड भी कर सकते हो, डबल क्लिक करके पॉइंट ऐड भी हो जाते, तो इस वाले पॉइंट को हमने यहाँ रख लिया। फिर मैंने यहाँ पे एक सिंगल क्लिक किया, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐसे, तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे रख लिया, इसको हमने ऐसे रख लिया इस तरीके से। तो ये आप अपने हिसाब से कर्व करते जाओ। आप चाहो तो बीच बीच में पॉइंट भी बना सकते हो। देखो तो पॉइंट बना दिया हमने, तो यहाँ पे ये शेप ऐसे आ गई। फिर मैंने एक यहाँ पॉइंट बना दिया, यहाँ पे शेप हमारी ऐसी आ गई। इसको उठाया, इसको हमने यहाँ रख लिया, इसको हमने थोड़ा सा ऐसे शेड दे दी, ठीक है। तो ये हमारे पास डिज़ाइन जो है ऐसे कुछ बन गया। चलो अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, इसके अंदर ब्लैक कलर की भी शेड चाहिए। तो मैंने कंट्रोल सी करा कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, ठीक है। शेप टूल लिया, इसी को उठा के नीचे की तरफ ऐसे रख दिया, इसको भी उठा के थोड़ा सा नीचे कर दिया, और इसका कलर दे दिया हमने ब्लैक कलर। अब हम इसे पीछे भेज देते हैं। पीछे भेजने के लिए आप राइट क्लिक कर सकते हो या फिर शॉर्ट की भी लिख लेना, कंट्रोल पेज डाउन। कंट्रोल पेज डाउन से पीछे चला जाएगा, वो कंट्रोल पेज अप से ऊपर आ जाएगा, जो पेज अप की होती है ना उससे। तो कंट्रोल पेज डाउन कर दूंगा तो पीछे चला जाएगा, कंट्रोल पेज अप कर दूंगा तो ऊपर आ जाएगा। तो ये देखो हमारे पास डिज़ाइन कुछ ऐसा आ गया है ये, ठीक है। ये देखो इससे सॉफ्टवेयर में कितना भी जूम कर लूँ कहीं भी पिक्सलेट नहीं होता ये। तो चलो ये हो गया हमारे पास। अब मुझे ये चीज़ यहाँ पे भी चाहिए, ठीक है। तो मैंने फिर से क्या करा, कॉपी किया कंट्रोल सी कंट्रोल वी से पेस्ट किया। एक देखो यहाँ पे फ्लिप करने का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक कर दोगे तो फ्लिप हो गया, ये ऊपर आ रहा। अगर वैसे फ्लिप चाहिए तो ये देखो ये रहा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और बी दबा देता हूँ, तो ये क्या हो गया, बॉटम में आ गया, ठीक है। अब हम इसको मॉडिफाई करते हैं, तो कंट्रोल यू से अनग्रुप। नहीं यार डिज़ाइन मुझे अलग ही बनाना पड़ेगा, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। चलो मैं इसको डिलीट ही मार देता हूँ, डिलीट, इसको भी डिलीट, ठीक है। बोलता हूँ ठीक है, इसे मैंने यहाँ रखा, ठीक है। और पहले ब्लैक ले लेते हैं, और कंट्रोल क्यू, कंट्रोल क्यू से कन्वर्ट टू कर्व, फिर हम शेप को मॉडिफाई कर पाएंगे ऐसे। ठीक है अब हम यहाँ पे कर्व कर लेते हैं, ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक और कलर दे देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी और शेप टूल। और इसका कलर दे देते हैं हम यहाँ पे ये कलर। तो देखो डिज़ाइन हमारा क्या हो गया, ऐसे बन गया। और लाइक जो भी कंटेंट डालना है आप अपने हिसाब से कंटेंट डाल दो, यहाँ पे कंट्रोल जी से ग्रुप कर दो। तो ये समझ में आ गया ना आपको, स्ट्रोक नहीं चाहिए तो आप सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, सेट आउटलाइन कलर पे क्लिक कर दो। तो देखो हमारा ये भी डिज़ाइन बन गया ऐसे, और जो कंटेंट डालना होगा वो कंटेंट हमारा यहाँ आ जाएगा। हाँ इसमें ना पता है, अगर आप ना पेन टूल से बनाओगे ना थोड़ी वो शार्पनेस रह जाती है, इससे एजेस जो है ना देखो काफी स्मूथ आ रहे हैं, इससे एजेस काफी स्मूथ आ रहे हैं, वेव शेप आ रही है। अब पेन टूल से बनाओगे तो थोड़े थोड़े पॉइंट ना शार्प से दिखते हैं, हाँ हाँ वहाँ पे हाँ शार्प हो जाते हैं। तो इसलिए वो पेन टूल को कम यूज करना चाहिए, पेन टूल को इलस्ट्रेशंस में यूज करना चाहिए। इसमें पेन टूल है, इसमें पेन टूल से इलस्ट्रेशन कर सकते हो, लाइक ड्रॉ कर सकते हो। इसमें देखो ये रहा पेन टूल, ये रहा, आप पेन टूल से ऐसे कुछ ड्रॉ कर सकते हो, ये देखो क्या, हाँ हाँ यहाँ ड्रॉ कर सकते हो आप, हाँ वो चीज कर सकते हो। देखो ये रहा ऐसे,
ऐसे थोड़े से एजेस ना थोड़े अलग हो जाते हैं। यहाँ पे कट पॉइंट यहाँ पे ना हाँ सर बहुत डिफिकल्ट होता है बाद में ये ऐसे क्या लगता है। देखो आ गया ना इससे, इस तरीके से इसमें ऑल दबा के आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसे अपने हिसाब से कर सकते हो ड्रॉ, पर वो अभी बाद में देखेंगे, पहले हमारा बेसिस पे बन जाए। अच्छा स्क्रीन इधर उधर भाग जाए तो शिफ्ट एफ फोर दबा सकते हो, फिट स्क्रीन हो जाती है। ठीक है शिफ्ट स्क्रीन हो जाती है इससे। तो देखो हमारा जो डिज़ाइन है ये भी दूसरा बन गया यहाँ पे मेरे। हाँ और इस पे यहाँ पे ना आप ऐसे जूम कर रखा है आपने, तो आप एच दबा के ऐसे कर सकते हो। ठीक है यहाँ सर्कल ले लेते हैं, इसको कलर दे देते हैं, इसके अंदर कलर देते हैं ये वाला, इसकी स्ट्रोक देते हैं बन, सेट आउटलाइन कलर, तो ये हमारा डिज़ाइन जो है वो ऐसा कुछ बन गया। आगे यहाँ पे आ जाएगा हमारा फ़ोन नंबर। मैं एक काम करता हूँ डेट के लिए डाल देता हूँ, तो ये तो आसान लगा हुआ ना, फोटोशॉप से ही। सेट आउटलाइन कलर 2 पॉइंट लाइन, इसको हमने यहाँ पे रखा ऐसे। और ये देखो यहाँ पे लाइंस भी दे रखी है अलग अलग तरीके की, तो यहाँ हाँ मैं डॉटेड इसको डॉटेड, ये जब आप सेलेक्ट करोगे ना यहीं पे ऑप्शन दे रखा है ये रहा डॉटेड। और यहाँ पे क्या लिखना है डेट टाइप टूल डेट, और इसको अपन यहाँ से साइज को अपने हिसाब से ऐसे सेट कर लेते हैं, इसको उठा के यहाँ रख लेते हैं। ठीक है कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं कंट्रोल जी, और ये देखो हमारा डिज़ाइन इस तरीके से रेडी हो गया। ठीक है ये आ गया, आगे समझ में। तो हमारे लेटर हेड भी इस तरीके से बन गया और विजिटिंग कार्ड भी हमारा इस तरीके से बन गया। लोगो वगैरह लगेगा तो लेफ्ट साइड लगेगा। हाँ लोगो यहाँ पे लग जाएगा जो मैंने एरिया बनाया ये वाला, यहाँ पे लगा देंगे लोगो, और यहाँ पे कुछ नंबर जो भी डेट वेट लिखनी है वो आ जाएगी यहाँ पे, यहाँ एड्रेस डाल देंगे नीचे जो एरिया बनाया हमने उसमें एड्रेस आ जाएगा हमारा। ठीक है हाँ हाँ अच्छा उसमें क्या होता था कंट्रोल जीरो पे, ये तो शिफ्ट F4 से आता है। जैसे अगर आपने यहाँ पे जूम आउट कर दिया शिफ्ट F4 कर दो तो फिट हो जाए। नहीं ये ओरिजिनल स्क्रीन नहीं है, ये इसकी मतलब फिट हो जाती है स्क्रीन। अगर आप चाहते हो कि ना आपको एक्चुअल साइज चेक करना है कितना प्रिंट में आएगा, तो यहाँ पे देखो ये 46% लिखा है, इसे आप 100% कर दो यहाँ पे, तो इससे क्या हो जाएगा ये ओरिजिनल में आ जाएगा। ठीक है तो आप यहाँ से ऊपर ऑप्शन होता है यहाँ से 100%, 200, 1600, तो आप अपने हिसाब से यहाँ से चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है तुम्हारा ये बन जाएगा, समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या है लेटर हेड है। एक ही चीज तो कर रहे हम, एक ही चीज तो कर रहे हैं, सर पिछला भूल जाऊंगी मैं, मुझे लग रहा एक है ही छोटा सा इसमें। और डिजाइन करते हैं। ठीक है A4 शीट पे ही ब्रोशर बनता है। ठीक है जैसे ब्रोशर होते हैं ना वो A4 शीट पे बनते हैं ऐसे ये वाले। ठीक है तो हम एक काम करते हैं ब्रोशर का एक पेज बनाते हैं। ठीक है ओपन इमेज इन न्यू टैब, तो ऐसा मुझे कोई ब्रोशर डिजाइन करना है। कॉपी इमेज अलग फाइल पे बनाते हैं, फाइल न्यू फाइल यहाँ पे A4 शीट यहाँ से चूज कर लिया आप, पर ना मैं एक ही साइड बनाना चाह रहा हूँ, तो A4 की जगह A5 कर लेंगे। ये क्या होता है A4 की हाफ होती है। ठीक है ये A4 का हाफ है, क्योंकि इसमें क्या होता है ब्रोशर टू साइड फोल्डेड होता है, तो A4 को ही ना वो हाफ में क्या करते हैं एक साइड बना देते हैं, हाफ में एक साइड बनती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ A5 ले रहा हूँ, तो अलग अलग साइड हमारी बन जाएगी। ठीक है तो ये क्या हुआ ये यानी A4 का हाफ है। ठीक है लाइक जैसे कि हाँ एक्सप्रेस। ये इसका हाफ है राइट। ठीक है तो अगर ये A4 है तो एक साइड पे क्या हो जाएगा हमारा, एक साइड बन जाएगी लेफ्ट साइड बन जाएगी, एक साइड पे राइट साइड बन जाएगी, तो हम हाफ पे बना लेते हैं, हाफ अलग प्रिंट होगा हाफ अलग प्रिंट हो जाएगा। ठीक है तो ये देखो हमारा ये आ गया। A5 का साइज कितना होता है ये रहा 184, ये 1848, तो मैंने एक रेक्टेंगल लिया ऐसे, और इसका साइज मैंने कितना दिया 148। इसकी हाइट कितनी है पता क्या चलेगा, आर्ट बोर्ड पे क्लिक करोगे तो 210 है, तो कॉपी किया इस पे क्लिक किया और यही चीज सेम यहाँ पेस्ट कर दी, तो ये बिल्कुल सही सेट हो गया है। और पेज के सेंटर पे कैसे लेके आएंगे, पेज के सेंटर पे भी आ गया। अब ऐसे डिजाइन चाहिए, तो
है ना। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो ना इसी की एक कॉपी कर लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं, यहाँ रख ली कॉपी हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल क्यू दबा देंगे, कंट्रोल क्यू से कन्वर्ट टू कर्व हो गया, इस वाले पॉइंट को हम यहाँ से रिमूव कर देते तो ये रिमूव हो गया, ठीक है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से उठा के ऐसे रख देते हैं। तो देखो ये कर्व आ गया हमारे पास ऐसे, इसे थोड़ा नीचे कर लेते तो इसको उठा के हमने नीचे रख दिया, यहाँ से इसको ऐसे सेट कर लेते तो देखो यहाँ बिल्कुल ये परफेक्ट आ गया हमारे पास, आ गई ये शेप। इसके अंदर मैं कोई कलर दे देता हूँ, तो मैंने क्या करा, ब्लैक कलर दे दिया इसके अंदर, तो ब्लैक कलर आ गया। अब मुझे पीछे ऑरेंज कलर चाहिए, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी शेप टूल लिया हमने, इसको उठाया यहाँ रख दिया हमने ऐसे, ठीक है। ऐसे ना रख के मैं क्या करता हूँ, एक काम करते इसको ना थोड़ा सा नीचे की तरफ डाल देते, बस बस ठीक है। अब इसका कलर मैंने क्या करा, ऑरेंज कर दिया, ये ऊपर है वो नीचे करना है। तो कैसे भेजते हैं नीचे, राइट क्लिक या फिर शॉर्ट की बताई थी मैंने, कंट्रोल पेज डाउन, तो ये ऐसा कुछ आ गया हमारे पास, ठीक है। ये देखो आगे से, हाँ अब क्या चीज़ चाहिए अपने को, ये और डिज़ाइन चाहिए, तो हम इसी की कॉपी कर लेते। तो कॉपी मैंने क्या करा, सिलेक्ट किया कंट्रोल सी कंट्रोल वी और फ्लिप मार दिया, ये आ गया हमारे पास। इनको सिलेक्ट किया, बी दबा दिया बॉटम, शेप टू, हाँ इसका, हाँ तो हम एक काम करते हैं, इसके साइज़ को यूँ ही ड्रैग कर देते हैं, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। थोड़ी बहुत शेप मॉडिफाई करनी है तो शेप मॉडिफाई हो जाएगी, इसको पीछे भेजते थे कंट्रोल पेज डाउन, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा कुछ है, ये थोड़ा इधर भी भेजना है, तो शेप टूल लिया, पहले अनग्रुप करना पड़ेगा, कंट्रोल यू से अब करते हैं, शेप टूल लिया, इस वाले पॉइंट को पकड़ के यहाँ रख दिया हमने ऐसे, इस वाले को पकड़ के ध्यान रख दिया हमने ऐसे, इसको हमने यू ड्रैग कर दिया ऐसे ऐसे, इस वाले को हमने क्लिक करके यू ड्रैग कर दिया ऐसे। तो ये देखो हमारा डिज़ाइन जैसा आपको बनाना है ऐसे आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर साइज को इधर उधर करना हो तो आप पहले शेप टूल लेना, उस पॉइंट को पकड़ लेना ऐसे और यूं उठा के ऐसे एरो की से भी ट्रैक कर सकते हो। तो आज आपने तीन चीज बनाने की कोशिश करनी है, एक तो लेटर हेड, एक विजिटिंग कार्ड और एक हमारा रहेगा क्या एसआई ब्रोशर, ठीक है। ये साइड ले लेना या ये साइड ले लेना या ये साइड ले लेना, तो कोई सी भी एक साइड डिजाइन करने की कोशिश करनी, ठीक है। तो ये चीज़ें नेक्स्ट क्लास में फिर हम सीखेंगे, इसके अंदर इमेज कैसे लगाते हैं, जैसे इसने इमेज लगा रखी है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना आपको, तो हमने बेसिकली सीखा क्या है कि हम कोई रेक्टेंगल बनाते हैं तो उसे मॉडिफाई कैसे करते हैं कंट्रोल क्यू करने के बाद, तो हम इस टूल का यूज़ करते हैं, ये वाले टूल का, तो यहाँ से हम इससे शेप को अलग अलग मॉडिफाई कर सकते हैं।